उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर एक बार फिर से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि हमने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन इसके बाद भी जो स्टेटस रिपोर्ट आई है उसमें कुछ भी नया नहीं है, सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन क्यों जब्त किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में लैब रिपोर्ट भी पेश नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार से सवाल किए, जिस पर सरकार ने कहा कि लैब की रिपोर्ट 15 नवंबर को आएगी, जिसके बाद कोर्ट ने अब अगली सुनवाई शुक्रवार को करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में स्पष्ट जांच हो ये सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व जजों की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज रंजीत सिंह और राकेश कुमार जैन को इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि पत्रकार की मौत को जिस तरह से पेश किया गया उससे अलग उसकी मौत हुई, ये दिखाया गया कि पत्रकार की पिटाई से मौत हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी कि किसान और पत्रकार की कार से कुचलकर मौत हुई। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर एक बार फिर से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि हमने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन इसके बाद भी जो स्टेटस रिपोर्ट आई है उसमें कुछ भी नया नहीं है, सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन क्यों जब्त किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में लैब रिपोर्ट भी पेश नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार से सवाल किए, जिस पर सरकार ने कहा कि लैब की रिपोर्ट 15 नवंबर को आएगी, जिसके बाद कोर्ट ने अब अगली सुनवाई शुक्रवार को करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में स्पष्ट जांच हो ये सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व जजों की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज रंजीत सिंह और राकेश कुमार जैन को इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि पत्रकार की मौत को जिस तरह से पेश किया गया उससे अलग उसकी मौत हुई, ये दिखाया गया कि पत्रकार की पिटाई से मौत हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी कि किसान और पत्रकार की कार से कुचलकर मौत हुई। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे।